रैंडम वेरिएबल से कम, बताओ क्या बोले। रैंडम वेरिएबल से डाउट है। अच्छा रैंडम वेरिएबल में आ गए, बताओ। नहीं सर, वो बोर्ड्स के लिए कर रहा था करके थोड़ा इधर उधर जा रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। डाउट है इस बात में मुझे खुशी, कम से कम तो कुछ तो कर रहे हो तुम, मैंने तुम्हारे पास डाउट ही नहीं होते हैं। अच्छा स्क्रीन तो दिख नहीं रहा होगा अभी, ये शेयर किया नहीं शायद मैंने। नहीं बताओ सर, ये नहीं सर। बताओ। क्या डाउट है? हाँ सर, बेसन से डाउट मतलब ये क्वेश्चन, मतलब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दीजिए और ये वाला समझा दीजिए। कौन सा वाला, वन या टू? सर दोनों, मतलब ये टॉपिक के ऊपर थोड़ा बता के। सेमी तो है, देखो दोनों क्वेश्चन सेमी है, मतलब सिमिलर कॉन्सेप्ट। जो 43.1 है तुम्हारा, वो कह रहा है कि रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये तुम्हारा कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1, ठीक है। और ये है एक्स और ये है पी एक्स, मतलब वही एक्स इक्वल टू आई। तो अब क्या बोल रहा है तुम्हारा, ये प्रोबेबिलिटी है के 2k, 3k, 4k, 5k, ठीक है। तो क्वेश्चन है पहले तो k बताओ। तो देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है एक्चुअली, अगर मैं थ्योरी बताऊं, क्वेश्चन बहुत इजी है थ्योरी अगर देखो तो। लाइक ऐसा होता है कि सपोज दिस इज x, दिस इज px। अब इससे कोई डिफरेंस नहीं, हॉरिजॉन्टल टेबल बनाओ या वर्टिकल बनाओ। जैसे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेबल है, मैंने वर्टिकल बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x की कुछ वैल्यूज होंगी लाइक x1, x2, इस तरह से डॉट 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 एक्स एन तक, ठीक है। और यहाँ होगा पी वन पी टू डॉट 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 पी एन, ओके। तो अब क्या है, इसका एक तरीका क्या होता है, एक तो ये है कि दिस टेबल इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो टेबल है ना, इस टेबल को बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ठीक है ना, दिस टेबल, जो टेबल गिवन है, दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इफ एंड ओनली इफ। तो मैं रिजल्ट टाइप कर रहा हूँ या इफ काफी है, तो तुम इफ लिखो तो भी काफी है। एक तो पहली कंडीशन है पी आई शुड बी मोर देन जीरो, जितने पी आई हैं जीरो से ज्यादा होनी चाहिए फॉर ऑल आई। एंड दूसरी कंडीशन है समेशन ऑफ पी आई आई फ्रॉम वन टू एन दैट शुड बी वन, मतलब ये जो क्वांटिटीज हैं, ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं, वो सब जीरो से ज्यादा होना चाहिए, ऑब्वियसली वन से कम होगा, और सम ऐड करने पे हमेशा वन आना चाहिए, ठीक है। चलो okay. तो बहुत इजी हो गया। अब बताओ तुम के की वैल्यू क्या होगी, ये यूज करो कॉन्सेप्ट जो पीछे मैंने कराया अभी। क्या बोला, yes, सारे पी आई पॉजिटिव होने चाहिए और सम करने पे प्रोबेबिलिटी का वन आना चाहिए। तो तुम खुद ही बताओ के की वैल्यू क्या होगी। सब 15K इक्वल 1। ठीक है ना, तो पहली कंडीशन ये कि k की वैल्यू जीरो से ज्यादा होनी चाहिए ताकि सारी पॉजिटिव रहेंगे। और दूसरी कंडीशन सबको ऐड कर देते हैं, तो k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k को प्लस के, है ना, 15k इज 1। सो व्हाट इज k, 1/4 हो गया, पहला पार्ट का आंसर आ गया। तो बेसिक डेफिनेशन पे क्वेश्चन है। और दूसरा है मीन एंड वेरिएंस। तो मीन का डेफिनेशन क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट है। इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने डेफिनेशन बताया, अभी जो लिखा मैंने ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर तुम्हें पता है, फॉर एग्जांपल ये एक्स ये पी एक्स, ठीक है, अब हमें मीन निकालना है। तो तुम एक कॉलम एक्सटेंड करोगे एक्स पी एक्स वाला, ठीक है। सो लाइक एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन, फिर पी वन पी टू पी थ्री डॉट 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 पी एन, ठीक है।
और एक्सपीएक्स ये क्या करना है, मीन के डेफिनेशन क्या है? देखो मीन के जो डेफिनेशन है वो ऐसा है, मीन मतलब म्यू से डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं तुम ई एक्स भी देखोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, उसका डेफिनेशन है समेशन एक्स आई इंटू पी आई, आई फ्रॉम वन टू एन, मतलब एक्स की वैल्यू और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मल्टीप्लाई करते जाओ और बाद में ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो ये हो जाएगा एक्स वन पी वन, एक्स टू पी टू, एक्स थ्री पी थ्री, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में होगा एक्स एन पी एन, और इन सब का जो ऐड करोगे तो वो मीन होगा। अभी तुमने देखा है पीछे, इसको ऐड करेंगे तो वन आएगा, सो प्रोबेबिलिटीज का सम वन आएगा और इसका सम मीन होगा। ओके तो मीन अब निकाल के बताओ, डेफिनेशन समझ आया तुम्हें? ये मीन का डेफिनेशन समझ आया क्या कर रहे हैं? एक्स को और उसकी प्रोबेबिलिटी को, एक्स की वैल्यू और उसकी प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर ये लिख दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया लिख दिया, अब बाद में इन सबको ऐड कर दिया, तो जो ऐड करके आएगा वो मीन आएगा। ठीक है, शॉर्ट में लिखोगे तो एक्स वन पी वन प्लस एक्स टू पी टू डॉट डॉट डॉट, लास्ट में एक्स एन पी एन। तो चलो इसी क्वेश्चन में अब तुम मीन बताओ। बाद में ऐड कर लो सकते, तो के प्लस फोर के प्लस नाइन के प्लस सिक्सटीन के प्लस 25 के। ठीक है, 55 आ रहा है पक्का? Yes. और ये मीन हो गया, के तुम्हें पता ही था, तो 55 अपॉन 15 कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, 11 बटे 3 हो जाएगा। हाँ ओके, अब क्वेश्चन वेरिएंस क्या होगा, है ना? नेक्स्ट क्या पूछा तुमसे, वेरिएंस ना? सो वेरिएंस से पहले हमें ई एक्स स्क्वायर, ये मीन ई एक्स था, तो उससे पहले मुझे ई एक्स स्क्वायर निकालना पड़ता है। तो ई एक्स स्क्वायर ऐसा ही कुछ है, क्या है, जैसे हमने ई एक्स डिफाइन किया, ऐसे मैं तुमसे पहले पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें कुछ आइडिया लग रहा है? देखो ध्यान से, ई एक्स है तुम्हारा समेशन एक्स आई पी आई, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर तुमसे मैं पूछूं ई एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, द व्हाट डू यू गेस, अगर गेस करो तो ई एक्स है समेशन एक्स आई पी आई, तो ई एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, लॉजिकली अगर तुम थोड़ा इसको जनरलाइज करना चाहो? एक्स आई स्क्वायर पी आई, ओनली आई फ्रॉम वन टू एन, तो यहाँ एक्स था इसलिए यहाँ एक्स आई है, यहाँ एक्स स्क्वायर था एक्स आई स्क्वायर हो गया, तो यहाँ एक कॉलम तुम और बढ़ाओगे एक्स स्क्वायर पी एक्स वाला, तो एक्स स्क्वायर पी एक्स का मतलब हो गया कि एक्स वन स्क्वायर पी वन, एक्स टू स्क्वायर पी टू, एक्स थ्री स्क्वायर पी थ्री, एंड डॉट 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 xn square pn, इन सबको ऐड करोगे तो ये जो क्वांटिटी आएगी इसका नाम है ex square, लाइक मीन था तो मीन का नाम था ex, ठीक है? तो लाइक ex square निकल गया, तो ऑफ कोर्स ये तो ex square निकला, ये वेरिएंस नहीं है, ठीक है, ex square है, वेरिएंस होता है क्या, याद है तुम्हें? सिग्मा स्क्वायर इसका नोटेशन है, एक डेफिनेशन है e ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ये मेन डेफिनेशन है, लेकिन क्वेश्चन हम इससे नहीं करते हैं, इसको जब खोलोगे तो ये आता है ई एक्स स्क्वायर माइनस जो मीन आया उसका स्क्वायर, मीन मतलब ई एक्स, ठीक है, तो ई एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और मीन तुम पहले निकाल चुके हो, तो उसके मीन के स्क्वायर को माइनस कर दो तो वेरिएंस होगा। ओके तो ये था मीन और ये है वेरिएंस, इसको नोट करो और इसको बताओ उसका आंसर क्या आएगा, तो पहले ई एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा तुम उसके लिए। इसमें करो ये क्वेश्चन था ना, हाँ इसमें पहले ई एक्स की तो मीन निकाले थे, मीन को हम ई एक्स बोलते हैं, और अब तुम ई एक्स स्क्वायर निकाल लो। ओके ई एक्स स्क्वायर निकाल लो पहले और उसके बाद फिर वेरिएंस निकालना।
टाइम लगेगा? हाँ आ गया था। फोर्टीन बाय नाइन तो 14 भी नहीं आ रहा क्या? ये एक्स स्क्वायर या वेरिएंस? वेरिएंस वेरिएंस निकाल दिया सीधा, ये एक्स स्क्वायर क्या आएगा? स्क्वायर आया 225 के, जैसे 1 स्क्वायर इनटू के तो 1 के, 2 स्क्वायर इनटू 2 के तो लाइक 8 के, 9 इनटू 3 27 के, 16 इनटू 4 64 के, 25 इनटू 5 लाइक ई एक्स स्क्वायर, जैसे x का स्क्वायर करके p को मल्टीप्लाई करना है, देन ऐड करना है। ओके तो कितना आया? 225k। ओके यहां है 225k माइनस मीन आया था तुम्हारा कितना? 11.5k। हां 11/3 मतलब 55k का स्क्वायर, तो इसको पुट कर दो, ये 15 हो गया और माइनस मीन आया था 11/3 का स्क्वायर, तो इसको अब कैलकुलेट कर लो, ठीक है? 225 अपॉन 15 माइनस 11/3 होल स्क्वायर। यस सर। ओके सो कैलकुलेट करो। हाँ कैलकुलेट करो, हो जाएगा ना, समझ आ गया कैसे कैलकुलेट करो? सेम क्वेश्चन सेकंड पार्ट से ही। यस सर। तो सेकंड पार्ट तो ऐसे ही हो जाएगा। यस। सेम ही क्वेश्चन है, क्योंकि सेम वे में कर लेना। आगे बताओ। ये जो बात हम करते हैं साथ में क्लास में हम क्या आने हैं जी? हाँ ये ऊपर होना चाहिए। क्या अभी क्वेश्चन करना है? हाँ यस सर। अ पॉइजन वेरिएबल सेटिस्फाई दिस दिस दिस, ये कौन सा बुक का है भाई? सर बोर्ड का है। कौन सा? कर्नाटक। कौन सा बोर्ड है तुम्हारा? मतलब आंध्रा बोर्ड। आंध्रा बोर्ड। ओके तो ये क्वेश्चन है, तो पहले ये बताओ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? पहले ये क्वेश्चन है इसमें कि बोला पॉइजन रैंडम वेरिएबल में ऐसा है, तो पहले ये मुझे समझाओ व्हाट इज पॉइजन वेरिएबल, क्योंकि बुक में तो होगा ना, ये तुम्हें याद है क्या? एग्जाम में कैसे करोगे बिना इसके? पॉइजन रैंडम वेरिएबल क्या होता है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? या एक्स है या आर ले लो नंबर, बताओ सर। ऐसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही बस याद है। हाँ क्या फॉर्मूला है? जीरो से स्टार्ट होती है, फिक्स है, 0, 1, 2, 3 और इनफिनाइट तक जाएगी, डॉट 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 डॉट, और ये तुम्हें प्रोबेबिलिटी इसके हिसाब से निकालना है। ये रूल है, जिससे जैसे जीरो रखेंगे तो आर को जीरो रखेंगे तो ई की पावर लैम्डा बचेगा, ई की पावर माइनस लैम्डा। आर को वन रखेंगे तो लैम्डा ई की पावर लैम्डा अपॉन वन फैक्टोरियल, टू रखेंगे, ऐसे ही निकालते जाएंगे। तो ये
डिस्ट्रीब्यूशन जैसे यहाँ तुम देख रहे थे ना टेबल में, सेम वे में। तो यहाँ एक पर्टिकुलर रूल है प्रोबेबिलिटी निकालने का, वो रूल ये वाला है। इजी क्वेश्चन है देखो, यहाँ लैम्डा तुम्हें ढूंढना पड़ता है, लैम्डा को बोलते हैं यहाँ पे हम पैरामीटर, तो लैम्डा ढूंढना पड़ता है। तो व्हाट इज दैट लैम्डा, तो लैम्डा के लिए तुम्हें इक्वेशन दिए, वो इक्वेशन हो जाएगा। नहीं नहीं, ये आपने जो x लिखा पीछे वाले साइड में वो मतलब कहाँ पे पुट करना है उसके वैल्यूज, ये r की, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x मतलब पॉइजन रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यू, जो रेंज है, रेंज होता है वेयर r कैन टेक वैल्यू 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये उसको ये x का रेंज है, मतलब पॉइजन रैंडम वेरिएबल का वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, इस तरह कुछ भी हो सकती है। अब उस पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूले से डिसाइड होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये क्वेश्चन है, देखो तुमने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी एट x बराबर 1 इक्वल है प्रोबेबिलिटी एट x बराबर 2। ऐसा क्यों दिया है, ताकि तुम लैम्बडा निकाल सको। अब बताओ x बराबर 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से x बराबर 1 पे r को 1 रखना है, r को 1 रखो क्या हो जाएगा, e पावर माइनस लैम्डा इनटू लैम्डा अपॉन 1 फैक्टोरियल, e की पावर से लैम्डा, लैम्डा की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इक्वल है 2 पे, तो 2 पे क्या होगा, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे e के दोनों कॉमन है, काट दो, तो अब यहाँ बचा लैम्डा अपॉन 1 फैक्टोरियल लैम्डा, और यहाँ लैम्डा स्क्वायर बाई 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 लैम्डा इज लैम्डा, तो यहाँ से आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा इज 0, तो लैम्डा इज आइदर 0 और लैम्डा इज आइदर 2, तो ठीक है, लैम्डा इज आइदर 0 और लैम्डा इज 2। सो इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा 0 नहीं होता था, यहाँ तुम्हें बताया नहीं मैंने, ये पैरामीटर जो होता है, दिस लैम्डा मस्ट बी मोर देन 0, ये कंडीशन है, x r की वैल्यू ये हो गया, लैम्डा मस्ट बी मोर देन 0, तो ये 0 वाला रिजेक्ट हो जाएगा, तो फाइनली तुम्हारा आंसर लैम्डा 2 आ गया। तो अभी तक तुमने क्या फाइंड किया, इस इक्वेशन इसलिए दिया ताकि लैम्डा निकाल सको, लैम्डा आ गया तुम्हारा 2। ओके आगे क्या है, बोल रहा है 5 पे प्रोबेबिलिटी बताओ, तो कर लेंगे ना 5 पे, देखो yes. बोल रहा है कि चलो 5 पे लैम्डा कांस्टेंट है, हाँ लैम्डा फिक्स रहता है, तो यहाँ हो जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 5, क्योंकि ये 5 पे प्रोबेबिलिटी पूछा है, अपॉन 5 फैक्टर, ठीक है, r की जगह 5 रखा है, समझ आ रहा है ना ये, यस सर, इसमें r की जगह 5 रखा है, तो 5। अब लैम्डा क्या है, तो लैम्डा निकालने के लिए ये कंडीशन दिया था तुम्हें कि इससे तुम लैम्डा निकाल लो, तो यहाँ से आ गया e की पावर माइनस 2, 2 की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120। अभी आ गया e की पावर माइनस 2, 2 की पावर 5 कितना होगा, 32, तो 120 काट दो, कैंसिल हो रहा है तो जो भी कैंसिल हो रहा है इसको, तो 32 e को तो नीचे भी ला सकते हो, 120 e स्क्वायर, e एक क्या है, e पता है तुम्हें क्या है, व्हाट इज e, नहीं पाई क्या है, 3.14, वो तो अप्रॉक्स वैल्यू है, तो इसी e की अप्रॉक्स वैल्यू क्या है, पता नहीं सर, एक्चुअली ये जो पाई है और ई है दोनों भाई भाई है, दोनों इरेशनल नंबर है, yes, तो एक की अप्रोक्स वैल्यू 3.14 होती है, दूसरे की अप्रोक्स वैल्यू 2.718 होती है, कभी 2.72 okay. भी तुम देखोगे मोस्टली लोग यूज करते हैं, तो ये दोनों इरेशनल नंबर है, तो ये एक्चुअली पाई तुम जानते हैं इसलिए क्योंकि वो बचपन में तुमने देखा है 9, 10, 6, 7 क्लास में, ई कैलकुलस में आता है, कैलकुलस पहली बार 11th क्लास में आता है, तुमने नहीं देखा है, तो ई भी एक इरेशनल, इसका नाम है आइलर नंबर, आइलर नंबर, तो पाई की तरह ई भी एक इरेशनल नंबर है जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू 2.72 होती है। हर कैलकुलेटर में तुमने नोट नहीं किया होगा शायद, या किया होगा भी तो तुम्हें याद होगा कि हर कैलकुलेटर में पाई के बाद बगल में ई होता है, तुम चाहो तो अभी खोल के देख लो फोन में, जहां पाई होता है ना उसके बगल में ई भी होता है, yes, sir. आगे
सर हो गए सर, सारे डाउट हो गए सर। यस सर, ठीक है फिर आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट डाउट जो भी बताना। पिछला चैप्टर कौन से कर रहे थे तुम, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया था ना, बाइनोमियल स्टार्ट किए। हाँ बाइनोमियल, ठीक है तो फिनिश करो, मतलब जो भी तुम कर रहे हो डाउट कलेक्ट करो, देन यू कैन डिस्कस डाउट। ओके यस सर, ठीक है फिर, चलो आज के लिए गुड नाइट। गुड नाइट सर।